ईश्वर कठोर पुलिस वाला नहीं बल्कि दयालु पिता है। ईश्वर जैसे हम न्याय करते हैं, विचार करते हैं, वैसे नहीं करता है। आज की साधना में हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर मनन करेंगे और ईश्वर की इस मनोभावना को, विचारधारा को हम अपनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम अपने आप को तैयार कर ले, अपना पवित्र बाइबल, अपनी डायरी, पेन पेंसिल ले लीजिए और अपने निर्धारित स्थान ग्रहण करिए। आइए हम अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में रखें, अपने आप को याद दिलाएं कि हम ईश्वर की उपस्थिति में हैं और किसी की उपस्थिति में नहीं। वही हम शुरू करें, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे परम दयावान पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस विशेष अवसर के लिए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र के लिए, जिनको हमारे मुक्तिदाता के रूप में तूने भेजकर उनके द्वारा हम पर अपना प्रेम, अपना हृदय प्रकट किया है। तेरे पिता, आज हम तेरे न्याय करने के तरीके और उसके द्वारा तेरे असीम प्रेम को, असीम दया को समझने के लिए हम यहाँ एकत्रित हैं। हम पर दया कर, अपना आत्मा हमें प्रदान कर, ये पवित्र आत्मा हमें ज्योतिर्मय बना, आलोकित कर, ताकि हम प्रभु येसु के वचनों को ध्यान से सुन सकें, समझ सकें, आत्मसार कर सकें और अपने जीवन में इनका अमल कर सकें। हे प्रभु येसु क्रिस्त, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे बीच में रहने के लिए और हमें हर दिन अपनी शिक्षा प्रदान करने के लिए। हमें कृपा दे कि हम पूर्ण रूप से अपने आप को तेरे अधीन में रखकर तेरी शिक्षा ग्रहण करके उसके अनुसार जीवन यापन कर सके। एक हमारी प्यारी मां मरियम, सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारा साथ दीजिए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज की साधना के लिए जो पाठ लिए हैं वो है संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से 11, द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 8 verses 1 to 11। और ईसा जैतून पहाड़ गए, वे बड़े सवेरे फिर मंदिर आए, सारी जनता उनके पास इकट्ठी हो गई थी और वे बैठकर लोगों को शिक्षा दे रहे थे। उस समय शास्त्री और फरीसी व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री को ले आए और उसे बीच में खड़ा कर उन्होंने ईसा से कहा, गुरुवर, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। संहिता में मूसा ने हमें ऐसी स्त्रियों को पत्थरों से मार डालने का आदेश दिया है, आप इसके विषय में क्या कहते हैं? उन्होंने ईसा की परीक्षा लेते हुए यह कहा, जिससे उन्हें उन पर दोष लगाने का कोई आधार मिले। ईसा झुककर उंगली से भूमि पर लिखते रहे। जब वे उनसे उत्तर देने के लिए आग्रह करते रहे तो ईसा ने सिर उठाकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वह इसे सबसे पहले पत्थर मारे। और वे फिर झुककर भूमि पर लिखने लगे। यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक सबके सब एक एक कर खिसक गए। ईसा अकेले रह गए और वह स्त्री सामने खड़ी रही। तब ईसा ने सिर उठाकर उससे कहा, नारी, वे लोग कहां हैं? क्या एक ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया? उसने उत्तर दिया, महोदय, एक ने भी नहीं। इस पर ईसा ने उससे कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। आइए हम इस पाठ को कम से कम 2-3 बार ध्यान से पढ़ लें, ताकि हम इस पाठ में जो रहस्य, जो विशेष बातें छुपी हैं, उन सबको हम समझ सकें। आइए हम साधना के प्रथम चरण में प्रवेश करें, मनन चिंतन। संत योहन में ही केवल पाई जाने वाली यह घटना में वास्तव में ईश्वर के हृदय को, ईश्वर के मनोभाव को, न्याय करने के तरीके को हमारे सामने रखता है। आइए हम इस घटना के संदर्भ को देखते हैं। फरीसी और शास्त्री, जो यहूदियों के प्रमुख लोगों में गिने जाते हैं, वे
व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री को ले आते हैं, और वो केवल व्यभिचारिणी नहीं थी, व्यभिचार करते हुए पकड़ाई गई थी। लेकिन उन लोग उसके साथ जो पुरुष था उसको छोड़ दिए, केवल स्त्री को लेकर प्रभु के पास आते हैं। दूसरी बात, यहां प्रभु यीशु से कुछ सीखने के लिए भी नहीं आए, बल्कि प्रभु को फंसाने के लिए आए। और प्रभु यीशु स्वयं ईश्वर होते हुए वे सब कुछ जान देते, और उनका षड्यंत्र भी वे पूर्ण रूप से समझते थे, इसलिए वे पहले चुप रहे। लेकिन वे बार बार प्रभु से प्रश्न करते रहे, वे नियम सुनाए, मूसा का जो नियम है पुराने विधान के अनुसार, वे कहते हैं इस प्रकार की स्त्रियों को पत्थरों से मार डालना है, ताकि हमारा समाज, हमारे परिवार शुद्ध हो जाए। इस प्रकार की महिलाएं रहने से हमारा समाज दूषित हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु एक भी उत्तर नहीं देते हैं, और जमीन में बैठ के वे कुछ लिखने लगते हैं। लेकिन वे आग्रह करते रहे, बार बार पूछते रहे, तो प्रभु ऊपर अपना सिर उठाकर उनको देखते हैं और एक ही वाक्य बोलते हैं, तुम में जो निष्पाप हो वह इससे सबसे पहले पत्थर मारे। यानी तुम में से ऐसा कौन है जो कभी पाप नहीं किया है, निष्पाप है, चलो वही पहला व्यक्ति रहे, इस पर पत्थर मारो। और फिर अपना सिर झुकाकर भूमि पर लिखने लगे, एक ही वाक्य, और कुछ भी नहीं बोले। वे कोई वाद विवाद करने के लिए नहीं गए, चुप रहे। उन लोगों को प्रभु यीशु कुछ विचार करने का, स्वयं का मूल्यांकन करने का, न्याय करने का, उस स्त्री का नहीं बल्कि स्वयं का न्याय करने के एक अवसर दिए। प्रभु यीशु अपने सुसमाचार में जगह जगह पर न्याय करने के बारे में हमें शिक्षा दिए हैं। वे कहते हैं कि पुत्र को न्याय करने का अधिकार है, लेकिन वे कहते हैं मैं न्याय नहीं करता, मैं इस धरती पर दंड देने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मैं लोगों को जीवन देने के लिए आया हूं, मार डालने के लिए नहीं, मैं भला चरवाहा हूं। तो ईश्वर के अनुसार वही व्यक्ति न्याय कर सकता है, दूसरों पर उंगली उठा सकता है, दूसरों पर पत्थर फेंक सकता है जो कभी पाप नहीं किया है। एक विशेष मापदंड, वेरी डिफरेंट क्राइटेरिया टू जज पीपल। इसलिए प्रभु यीशु बार बार हमें शिक्षा देते हैं, न्याय मत दो, किसी पर भी न्याय मत दो, किसी के लिए भी नहीं। वहां प्रभु यीशु अकेले खड़े थे अंध में। जस्ट सोचिए उस महिला की स्थिति को, वो वास्तव में मृत्यु और जीवन के बीच में खड़ी थी, आर पार होने वाली थी उसकी जिंदगी, वह स्त्री मरने मरने को थी, कुछ ही सेकंडों में या मिनटों में वो मर सकती थी पत्थर खाकर। लेकिन वहां उस बीच में खड़े थे न्यायी प्रभु, दयालु प्रभु, वो उसको जीवन दिए, परिपूर्ण जीवन दिए। वह ना केवल उसको बचाए बल्कि उसके पुराने पापों से उसको छुटकारा देते हैं, उसको स्वतंत्र कर देते हैं। पुरानी आदतों में, उन पुराने पापों के बंधन में पड़ी हुई उस महिला को प्रभु यीशु ऊपर उठाते हैं। उसके मन में और समाज में उसके बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं रही होगी, सोच रहे होंगे, जब कभी वो कहीं भी दिखती थी होंगी, लोग उसको देखकर अपना चेहरा, अपना हाव भाव बदल देते थे होंगे। शायद मां अपने बेटों को देखकर उनसे कहती थी होंगी उसके पास जाना नहीं है, और महिलाओं के बीच में वो शायद कभी उठना बैठना नहीं कर सकती थी होगी। उस प्रकार की दुनिया में जीने वाली उस महिला को प्रभु यीशु अभी स्वतंत्र कर देते हैं। अब वह समाज में खुलकर जा सकती है, वह आदर सम्मान के साथ समाज में जी सकती है। प्रभु यीशु उसके बंधनों को तोड़कर उसे एक नया जीवन देते हैं, परिपूर्ण जीवन देते हैं। वह अब अपने बारे में जो गलत धारणाएं रखी थी उन सबको छोड़कर अब वह प्रभु पर निर्भर रह सकती है, ईश्वर के पास जाकर प्रार्थना कर सकती है, समाज में एक
विशेष स्थान प्राप्त करके, उचित स्थान प्राप्त करके आदर सम्मान के साथ वो जी सकती है। प्रिय भाई और बहनों, हमारी मानसिकता क्या है? हम भी दूसरों पर दोष लगाने में बहुत आगे होते हैं। दूसरों के बारे में चुगली करना शायद हमारा स्वभाव है, हमारी आदतें हैं, हमारा गुण है, लेकिन इसके द्वारा हम दूसरों को मार डालते हैं। हम ना केवल उनके बारे में लोगों के मन में गलत धारणा फैला रहे हैं, विचारधारा फैला रहे हैं, बल्कि उस व्यक्ति को हम वास्तव में मार डाल रहे हैं। आज प्रभु येसु हमसे यही चाहते हैं कि हम दूसरों के बारे में चुगली ना करें, हम किसी के बारे में न्याय ना करें, हम किसी के बारे में भी एक शब्द कहने के पहले, न्याय करने के पहले, हम अपने अंदर, अपनी आत्मा के अंदर, अपने हृदय में झांक कर देखें, अपने जीवन पर हम थोड़ा सा मूल्यांकन करके देखें, क्या मैं ठीक हूं, क्या मैंने कभी पाप नहीं किया है। प्रभु येसु का मापदंड हम भी यूज करें, उपयोग करें। वो मापदंड प्रभु हमें दे रहे हैं आज, किसी पर न्याय देने के पहले, दोष लगाने के पहले इस मापदंड का उपयोग करो। यदि तुम अभी तक पाप नहीं किए हो तो चलो तुम इस पर पत्थर मारो, तुम इसका न्याय करो, लेकिन क्या वैसे संभव है हमारे लिए? क्या प्रभु येसु इस प्रकार के मापदंड हमें देंगे और हम उसका उपयोग करने लगेंगे? क्या इस दुनिया में किसी को भी हम न्याय कर पाएंगे, किसी के बारे में चुगली कर पाएंगे? नहीं। संत मदर तेरेसा ने कहा, यदि हम दुनिया में लोगों की बुराई करने में, न्याय करने में लगे रहेंगे तो हम कभी प्यार नहीं कर पाएंगे। एक मां को देखिए, उसका बेटा या बेटी बहुत गलती करते होंगे, लेकिन मां बहुत बार अनदेखा कर देती है। अपनी ममता के कारण वो एक अलग दृष्टि से अपने बच्चे को देखती है, इसलिए वह न्याय नहीं कर पाती है। इसलिए हम देखते हैं जो प्यार करते हैं वे अपने प्रिय व्यक्ति के पापों को या गलतियों को अनदेखा करते हैं। इसलिए नहीं है कि वे उनकी बुराई चाहते हैं, बल्कि उनके प्रेम के सामने उनकी गलती या उनका पाप उतना बड़ा नहीं है। प्रभु येसु संत फाउस्टिना को एक बात बताए थे न्याय करने के बारे में। प्रभु येसु संत फाउस्टिना से कहे, फाउस्टिना, तुम मानो तुम इस दुनिया में ईश्वर का स्थान लेती है, तुम परम शक्तिशाली है, तुम कुछ भी कर सकती है। तुम्हारे घर अचानक एक लड़की आ जाती है, एक गरीब लड़की, वह आकर दरवाजा कटकटाती है और तू जाकर दरवाजा खोलती है और वह तुमसे एक रोटी मांगती है खाने के लिए, अन्यथा वह वहीं पर गिरकर मर जाती। पूछती ना, तू मुझे बता, तू क्या करेगी? प्रभु येसु कहते हैं, वही स्त्री है हर मनुष्य का जब लोग मेरे पास आते हैं, जो नम्रता से प्रेरित होकर मेरे पास आते हैं, जैसे उस नाकेदार के समान एक नम्रता की भावना लेकर मेरे सामने उपस्थित हो जाता है, इस लड़की के समान दया की भीख मांगते हुए, क्षमा की भीख मांगते हुए, मैं कौन हूं? मैं ईश्वर हूं, तो मैं क्या उसको दंड दूंगा या उस पर दया दिखाऊंगा? प्रिय भाई और बहनों, हम इस दुनिया में ईश्वर का जगह ना लें। इसलिए संत पौलुस भी कहते हैं, समय आने के पहले कोई भी निर्णय या न्याय ना करें, किसी का भी नहीं, स्वयं का भी नहीं। वे कहते हैं न्याय करने का अधिकार केवल और केवल ईश्वर का है, उनके हाथ में छोड़ दो। यदि हम इस मनोभाव को अपना लेते हैं, इस विचारधारा को अपना लेते हैं, इस मापदंड को अपना लेते हैं जो प्रभु येसु आज हमें दे रहे हैं, हमारे परिवारों में कितनी शांति रहेगी, कितना प्रेम रहेगा, हमारे समाज में हम कैसे जिएंगे, हम कितना गिरे हुए लोगों को हम उनका हाथ पकड़कर उठाकर उन्हें एक विशेष स्थान, जो स्थान ईश्वर उन्हें अपने हृदय में दिए हैं, उसको हम भी उन्हें दे सकते हैं। यदि हम इस मापदंड को अपनाते हुए इस दुनिया में जिएंगे तो हम वास्तव में प्रभु की दया को, करुणा को हम लोगों पर प्रकट कर सकते हैं, यानी हम वास्तव में ईश्वर की उपस्थिति बन सकते हैं। क्या हम ऐसे करना चाहते हैं? प्रभु येसु हमसे यही पूछ रहे हैं आज। भाई, हम थोड़ा सा समय लें और इन बातों पर मनन करें।
हम साधना के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। प्रत्युत्तर, हे प्रभु, मैं उस व्यभिचारिणी के समान तेरे सामने खड़ा हूँ। लोग भी मुझ पर अभियोग लगाते हैं, दोष लगाते हैं, यहाँ तक मैं स्वयं, मेरा अंधकरण भी मुझ पर अभियोग लगाता है। मैं भले इस दुनिया में लोगों के सामने इस रूप में जीता हूँ आदर सम्मान के साथ, लेकिन मेरे अभ्यंतर में मैं स्वयं को इस पापनी स्त्री के समान ही मैं पाता हूँ, और इस कारण मैं उन बंधनों में पड़ा हुआ हूँ, पुराने पापों के बंधनों में। हे प्रभु, मुझे भी जैसे तू इस स्त्री को बचाया वैसे मुझे भी बचाने की कृपा कर, दूसरों से और विशेष रूप से मुझसे, ताकि मैं मेरी इन पुरानी आदतों से, पुराने पापों से, मेरी बुराइयों से मैं बचकर मैं अपना जीवन पूर्ण रूप से तेरी महिमा में जी सकूं। आइए प्रिय भाई और बहनों, आपके मन में भी जो बातें उमड़ रही हैं उन सबको प्रभु पर प्रकट करिए। अयम साधना के तीसरे चरण में प्रवेश करें। हे प्रभु यीशु, तो आज मुझसे भी जैसे तूने उन शास्त्रियों और फरिसियों से कहा वही मुझसे भी कहता है, यदि तुम निष्पाप हो, यदि तुम कभी गलती नहीं किए हो, पाप नहीं किए हो, तो तुम भी दूसरों के पापों को देख सकते हो, न्याय कर सकते हो। तुम स्वयं एक कांच के घर में हो और उसमें से कभी पत्थर फेंकने की कोशिश मत कर। दूसरों पर उंगली उठाने के पहले अपने जीवन पर थोड़ा सा मूल्यांकन करके देख, परख कर देख कि तुम कितने पाप में हो। तुम कभी भी दूसरों का न्याय मत करना। तुम मेरी दया का अनुभव करके, मेरी दया का वाहक बनकर दूसरों के पास जाना। हे प्रभु यीशु, मैं कितने बार उन फरिसियों के समान दूसरों पर पत्थर फेंकता हूं। हे प्रभु, इस कारण मैं बहुत बार दूसरों की हत्या भी किया हूं, अपने शब्दों से लोगों के बारे में गलत विचारधाराओं को या जानकारियों को या उनके बारे में चुगली करने से भी। हे प्रभु, मुझ पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर और मुझे तेरा मनोभाव प्रदान कर, ताकि मैं भी तेरी दया का, तेरी करुणा का, तेरा प्रेम का मैं वाहक बनूं। प्रिय भाई और बहनों, आइए आप भी आपके मन में जो प्रार्थनाएं उमड़ रही हैं उन सबको प्रभु पर प्रकट करें। अयम साधना के चौथे चरण में प्रवेश करते हैं, निर्णय या संकल्प लेना। आज की साधना के द्वारा ईश्वर हमारे सामने एक विशेष शिक्षा रखते हैं, हम उनका पालन करें। इस पर आधारित बहुत सारे निर्णय हम ले सकते हैं। आप जरूर उनके बारे में विचार किए होंगे, उन सबको अपनी डायरी में लिखिए और आज से उनका पालन करने की कोशिश करिए। आइए इन सभी बातों को लेकर हम पिता के पास जाएं और प्रार्थना करें। हे परम दयावान पिता, तू हम पर इतनी दया करता है कि तू हमारे पापों का अनदेखा करते हुए तू हमें क्षमा प्रदान करके हमें पूर्ण रूप से अपनी संतान बना लेता है। हे प्यारे पिता, उड़ाव पुत्र के जो दृष्टांत तेरा पुत्र हमें बताया, उस दृष्टांत का पिता का मनोभाव ही है तेरा मनोभाव। तू हमारा लेका नहीं रखता है, बल्कि तू चाहता है कि हम तेरे पास वापस लौट कर तेरी दया का, तेरी करुणा का, क्षमा का हम अनुभव करें। तू चाहता है कि हम हमेशा तेरे साथ रहें, तेरे पास रहें, तेरे घर में रहें। मेरे पिता, हमें कृपा दे कि हम तेरे इस मनोभाव को लेकर और तेरा पुत्र जो शिक्षा हमें आज प्रदान किए हैं, इस शिक्षा के अनुसार, इस मापदंड के अनुसार हम अपना जीवन यापन कर सके, ताकि हम भी अपने जीवन के द्वारा तेरी दया को दूसरों पर प्रदर्शित कर सके। हमारी उपस्थिति में कोई भी व्यक्ति अपने आप को छोटा महसूस ना करे, वो भले कितने भी बड़ा पापी क्यों ना हो। हे पवित्र आत्मा, तू सत्य का आत्मा है, तू हमें अपने ज्ञान बुद्धि विवेक दे, ताकि हम ईश्वर की दृष्टिकोण लेकर हम इस दुनिया में उनके समान दयालु बनकर जीवन बिता सके। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस विशेष दिन के लिए, विशेष शिक्षा के लिए, जिसके द्वारा हम प्रेम में, शांति में जीवन बिता सके। हे प्रभु जी, हमें कृपा दे कि हम भी तेरे समान, जैसे तूने इस व्यभिचारिणी को बचाया उसी प्रकार हम भी दूसरों पर
दया दिखाकर, तेरी उपस्थिति बनकर, तेरी महिमा का साधन हम भी इस दुनिया में बन सके। ये हमारी प्यारी मां मरियम, सभी संतों स्वर्गदूतों हमारा साथ दीजिए, हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आइए हम भी प्रभु येसु के इसी मनोभाव को, दया और क्षमा का मनोभाव लेकर, दूसरों को ईश्वरीय दया प्रदर्शित करते हुए देते हुए, हम भी ईश्वर की वास्तविक उपस्थिति इस धरती में बनकर, हम उनकी सच्ची संतान सिद्ध होवे और इसी राह पर, इस प्रेम और क्षमा और दया के राह पर हम आगे बढ़ते रहें। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।